आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। अब होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स हमारे होते हैं जिनका क्या होता है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन फंक्शन क्या करते हैं अलग अलग। इस एग्जांपल से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो हमारे फोरलिम्स है, यानी कि फोरलिम्स, तो देखो जो हमारे फोरलिम्स होते हैं हम क्या करते हैं अपने फोरलिम्स से, यानी हमारे हाथ, हम अपना सारा काम हाथों से ही तो करते हैं ना। लेकिन वहीं आप एक लिजर्ड के फोरलिम देखो, फोरलिम क्या हो गया, हमारे हाथ और पैर, हमारे जो हाथ है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं ना इससे, तो ये हमारे फोरलिम्स हो गए एक तरीके से। तो देखो जैसे छिपकली की हम बात करें, यानी कि लिजर्ड की बात करें, तो छिपकली के फोरलिम्स किस काम आते हैं, दीवार पे उसको क्लिंब अप करने के लिए, यानी कि दीवार पे चढ़ने के काम आते हैं ना। अब देखो काम तो क्या था, सबके सब फोरलिम्स ही है, छिपकली के अंदर भी फोरलिम्स है, हमारे अंदर भी फोरलिम्स है, लेकिन हमारे फोरलिम्स किस काम आ रहे हैं, हमारे फोरलिम्स तो हमारे हाथ यानी सारे के सारे काम करने में, जबकि जो छिपकली के आपके यानी कि जो लिजर्ड के फोरलिम्स है वो किसमें काम आ रहे हैं, दीवार पे चढ़ने के। देखो फोरलिम्स ऑफ ह्यूमन, फोरलिम्स ऑफ लिजर्ड, उसके बाद में फोरलिम्स ऑफ फ्रॉग, यानी फ्रॉग के पैर किस काम आते हैं, उसको उछल उछल के कूद के चलता है ना फोरलिम्स, मतलब फोरलिम्स नहीं फ्रॉग क्या करता है, उछल उछल के चलता है, यानी कि किसमें हेल्प करता है वो, उसके जंपिंग के अंदर हेल्प करता है। ठीक, अब देखो आगे है फोरलिम्स ऑफ बैट, यानी कि चमगादड़ के जो फोरलिम्स होते हैं किसमें मदद करते हैं, चमगादड़ के तो ऐसे हाथ होते हैं ना, तो क्या करता है मतलब कि चमगादड़ के फोरलिम्स उसको किसमें हेल्प करते हैं, उड़ने के अंदर हेल्प करते हैं। अब देखो ये भी फोरलिम्स सारे के सारे फोरलिम्स ही हैं, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर सबका क्या है सेम है, लेकिन सब फंक्शन क्या कर रहे हैं अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, बट डिफरेंट फंक्शन आएगा, सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन को वो परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे हम क्या करते हैं अपने हाथों का लिखने में यूज करते हैं, लिजर्ड क्या करती है दीवार पे चढ़ने में हेल्प करते हैं उसके फॉलिम्स, फ्रॉग क्या करता है कूद कूद के चलने में उसकी फॉलिम्स हेल्प करते हैं जंपिंग में, बैट के फॉलिम्स किसमें करते हैं उड़ने में मदद करते हैं, यानी है सबके सब फॉलिम्स, यानी बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम क्या कर रहे हैं सब अलग अलग। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, जो होमोलोगस जो है जिनका ओरिजिन तो एक है लेकिन फंक्शन क्या कर रहे हैं वो अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तक की बात। अब आगे देखो, आगे आते हैं हमारे एनालोगस ऑर्गन, क्या आते हैं हमारे एनालोगस ऑर्गन्स। तो एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर तो अलग अलग होता है लेकिन वो फंक्शन क्या करते हैं एक जैसा परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट क्या होता है उनके अंदर, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने फोरलिम्स पढ़े, तो यहाँ पे क्या होगा उनका बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग होगा लेकिन वो क्या कर रहे होंगे, काम एक ही कर रहे होंगे। जैसे हम देखें, एक तो हम विंग्स देखें इंसेक्ट के, किसके, किसी भी कीड़े मकोड़े के, यानी कि जो इंसेक्ट के हम विंग्स देखें, एक हम देखें विंग्स के। अब मान लिया कि मक्खी है हमारे घर में, हाउस फ्लाई है, उड़ती तो वो भी है ना, और एक पक्षी है वो भी उड़ता ही है, यानी दोनों के क्या है, विंग्स ही तो है ना। लेकिन क्या होता है, अब जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर तो क्या होते हैं, उसके बोन्स ही मॉडिफाई करके क्या बनाते हैं, विंग्स बनाते हैं। लेकिन जो इंसेक्ट होता है ना, इसके विंग्स किससे बने हुए होते हैं, स्किन की फोल्डिंग से, या फिर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके अंदर, मेम्ब्रेन्स जब फोल्ड हो जाती हैं तो वो किसका स्ट्रक्चर बना देती हैं, विंग्स का स्ट्रक्चर बना देती हैं। जबकि जो बर्ड के विंग्स हैं ये क्या है हमारे पास में, बोन्स की मॉडिफिकेशन है हमारे पास में। यानी कि इंसेक्ट के विंग्स तो किससे बने, मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से, जबकि बर्ड के विंग्स किससे बने, बोन्स से। दोनों की ओरिजिन अलग अलग लेकिन काम क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों, उड़ने का ही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो समझ में आया होमोलोगस और एनालोगस के बीच में डिफरेंस, कि दोनों में फर्क क्या क्या होता है। ठीक, अब एक एग्जांपल देखो, एक हमने देखा पोटैटो और एक हमने देखा स्वीट पोटैटो, क्या है हमारे पास में, दो नाम है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो एक तो क्या है हमारे पास में पोटैटो है और एक क्या है हमारे पास में स्वीट पोटैटो है। तो ये पोटैटो तो क्या होता है हमारे पास में, रूट की मॉडिफिकेशन होता है, और स्वीट पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन है हमारे पास में, स्टेम की मॉडिफिकेशन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, आपका स्वीट पोटैटो तो है रूट की मॉडिफिकेशन और पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन है, स्टेम की मॉडिफिकेशन, ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है,
स्वीट पोटैटो एक रूट की मॉडिफिकेशन है। मतलब कि हम क्या सोचते हैं, ऊपर पौधा उगा हुआ है, उसके नीचे है ना आलू भी आपका और शकरकंदी भी, लेकिन हम क्या दिखने में क्या लगता है दोनों के दोनों रूट है, पर रूट नहीं होते असल में। जो आपका पोटैटो होता है ना यानी कि आलू, वो तो होता है स्टेम की मॉडिफिकेशन, जबकि जो आपका स्वीट पोटैटो होता है यानी इसको शकरकंदी भी बोलते हैं, वो क्या होती है, एक रूट की मॉडिफिकेशन होती है। अब देखो दोनों ही किस में यूज आ रहे हैं, फूड को स्टोर करने में, फूड को स्टोर कर रहे हैं तभी तो हम उसे खाने की तरह यूज कर रहे हैं ना। तो यानी कि दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर तो क्या है, अलग अलग है, ये स्टेम है ये रूट है, लेकिन फंक्शन क्या कर रहे हैं, सेम परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो इन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे हमारे पास हम टेंड्रिल्स का बात करें, टेंड्रिल्स क्या होती है, जैसे जो बेल होती है ना उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे धागे से करके वो ऊपर चढ़ती है, इनको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास में तो ये टेंड्रिल्स क्या होती हैं, कुछ टेंड्रिल्स आपके होते हैं स्टेम की मॉडिफिकेशन और कुछ क्या होते हैं आपकी लीव्स की मॉडिफिकेशन, लेकिन ये दोनों काम तो क्या करते हैं, ऊपर चढ़ने में ही तो मदद करते हैं ना। तो सेम इसके जैसे वाला केस आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो होमोलोगस हो गए, एनालोगस हो गए, अब क्या होते हैं हमारे पास में, एक वेस्टिजनल ऑर्गन्स और होते हैं। कौन से, वेस्टिजनल ऑर्गन्स। वेस्टिजनल का मतलब क्या है कि जो पहले के टाइम पे तो क्या होते थे, हमारे यूज में आते थे, लेकिन अब वो ऑर्गन्स हमारे किसी भी यूज के अंदर नहीं आते हैं। जैसे अगर हम वेस्टिजनल ऑर्गन्स की बात करें तो देखो, अब मान लिया कि हम देखते हैं कि क्या देखें हम, हाँ अब हमारी बॉडी के हेयर ही देखो, पहले जो हमारे मतलब कि जो क्या होते थे एंसेस्टर्स होते थे आदि मानव, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ना लंबे लंबे हेयर्स होते थे, लेकिन हमारी बॉडी के ऊपर इतने हेयर्स है नहीं वैसे तो, लेकिन क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो हेयर्स है ना वेस्टिजनल ऑर्गन है, मतलब किसी काम के नहीं है। अब देखो हमारी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, अब हमारे किसी काम के तो नहीं है ना, मतलब अगर उन्हें रिमूव कर दें तो वो किसी काम के हमारे नहीं आएंगे, तो उनको हम बोलते हैं वेस्टिजनल ऑर्गन्स, यानी जिनका काम पहले के टाइम पे तो होता था लेकिन अब हमारी बॉडी के अंदर उनका कोई काम नहीं है। जैसे एक हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स क्या होता है, उसका कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। क्या होता है कई बार जैसे किसी को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है तो सर्जरी करके अपेंडिक्स को हम निकाल भी देते हैं, तो यह क्यों, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब देखो कई लोगों के अंदर हम क्या देखते, एक अकल जाड़ बोलते हैं, अकल जाड़ भी एक वेस्टिजनल ऑर्गन है क्योंकि उसका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी हमारे मुंह में उगती है, मतलब मुंह में क्या उगती है, हमारे टीथ्स का एक पार्ट होता है, किसी के अंदर अकल जाड़ होती है किसी के अंदर नहीं होती है। ठीक है, या इनको भी छोड़ो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं ना कि भाई पूंछ निकल आई किसी इंसान की बैक साइड पे, तो वो पूंछ क्या होती है कि पहले के टाइम पर वहां पर एक बोन होती थी जो उस टाइम पे यूज में आती थी, लेकिन अब हमारी बॉडी से वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, वैसे तो नहीं उसको मतलब आप वेस्टिजनल में, उसको हम लेंगे एटाविज्म के अंदर। एटाविज्म भी इसके साथ ही पढ़ा देती हूँ, एटाविज्म क्या होता है, और एक हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेस्टिजनल ऑर्गन। वेस्टिजनल ऑर्गन दोनों होते क्या है, वेस्टिजनल ऑर्गन तो क्या है जो हमारी बॉडी के अंदर अभी भी प्रेजेंट है लेकिन उनका कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजनल ऑर्गन्स। ठीक, एटाविज्म क्या होते हैं, जो और जो आपके क्या है हमारे पास में बॉडी के अंदर जो कुछ पार्ट्स हैं जो क्या है पहले के टाइम के अंदर डीजर्नेट हो चुके हैं। ठीक, यानी कि खत्म हो चुके हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं मिलते, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर वो क्या होते हैं, रीअपीयर होने शुरू हो जाते हैं, तो उस फीचर को हम क्या बोलते हैं, एटाविज्म। जैसे कुछ लोगों को क्या बोलते हैं कि पीछे की साइड बैक साइड के अंदर क्या होते हैं, पूंछ निकल आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इसका तो भाई अलग सा ही है कि इसकी पूंछ कहाँ से निकल आए। तो क्या होता था कि पहले के टाइम के अंदर वहां पर क्या होते थे, क्योंकि हम क्या है चिंपैंजी से ओरिजिन हुए हैं ना, तो उन लोगों की पूंछ होती थी, तो क्या होता है कि टाइम के साथ साथ ह्यूमन के अंदर वो चीज क्या होगी, डीजर्नेट होगी। लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या होती है, वो चीज वापस आती है, यानी कि वो चीज वापस रीजर्नेट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एटाविज्म। ठीक है, यहां तक की बात। तो एटाविज्म के अंदर हम टेल वाला एग्जांपल याद कर सकते हैं। अगर पूछे वेस्टिजनल ऑर्गन, तो वेस्टिजनल का ऑर्गन का हमने क्या एग्जांपल पढ़ा, एक तो अपेंडिक्स हो गया हमारे पास में, एक जो हमने अकल जाड़ पढ़ी वो भी हमारे पास में क्या है, एक वेस्टिजनल ऑर्गन ही है। बॉडी के हेयर्स हो गए, वो भी वेस्टिजनल ऑर्गन ही है। ठीक है, तो यहाँ तक के चार पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे।